नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मारुति जिप्सी का अगर आरपीएम हायर है, इंजन आरपीएम अगर हायर है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। एक तो पहला सबसे पहली बात जो है वो एयरफ्यूल रेशो अगर मेंटेन कर देते हैं तो उसको 800 आरपीएम अटेंड करवा सकते हैं। अभी 800 आरपीएम अटेंड करने के लिए यहाँ पे तो आरपीएम मीटर है नहीं, तो दूसरी एक बात है दोस्तों के उसमें टैकोमीटर जो है मारुति रिट्स वाला वो लगा के आप उसमें आरपीएम जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो एग्जैक्ट आरपीएम नहीं बताएगा लेकिन आपको जो चाहिए वो कैलिब्रेट तो रहेगा नहीं। मारुति जिप्सी के लिए तो है नहीं, वो रिट्स के लिए है, तो डेफिनेटली कि आरपीएम उसमें कम ज़्यादा होगा। 100 आरपीएम का डिफरेंस अगर आता भी है तो वो तो अपने एक सेंस पे पता चल जाता है कि एक रफ एक जो अपने को वैल्यू चाहिए वो वैल्यू तो हमें पता चली जाती है। ठीक है, तो ये अगर इंजन 800 आरपीएम पे नहीं है, 1000 आरपीएम पे है तो वो जो है फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर में बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। एज वेल एज जब ट्रैफिक में हम खड़े हैं, सिग्नल पे अगर खड़े हैं और 1000 आरपीएम इंजन अटेंड कर रहा है तो डेफिनेटली कि हीटिंग की प्रॉब्लम भी देगा और फ्यूल जो है वो ज़्यादा कंजम होगा, माइलेज आपकी कम हो जाएगी। हाईवे पे ट्रैफिक में कहीं पे भी खड़े हैं तो 1000 आरपीएम जो है वो एडवाइजेबल नहीं है कि इंजन आरपीएम जो है 1000 रहे, तो उससे क्या हो जाता है कि फ्यूल और हीटिंग की प्रॉब्लम दोनों आएगी। तो उस केस में मैंने सबसे पहले बताया कि एयर फ्यूल रेशो, तो एयर फ्यूल रेशो में आप जो एयर है एयर को कंट्रोल करना है। एयर कैसे कंट्रोल करना है कि एयर फिल्टर जो है वो कहीं से मतलब वो फटा है, डायरेक्ट एयर अंदर इंजेक्ट हो रही है, ऐसा अगर कुछ है तो वो लिमिट करना है। फिल्टर जो है फिल्टर वगैरह बराबर प्रॉपर होना चाहिए, तो एयर फिल्टर वाला जो पार्ट है वो एक सही कर लीजिए। उसके बाद आता है थ्रॉटल बॉडी, तो थ्रॉटल बॉडी का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। ठीक है, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग करना है और उसके जो आईएसी सेंसर जो है आईएसी वाल्व के नीचे में वाटर का कूलिंग वाटर सर्कुलेशन का लाइन है, एक चैम्बर है, वो सब बराबर अच्छे से क्लीन करके उसको लगा देना है। और क्या करना है कि डैम्पर पोजीशन जो है, अभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एक सेट स्क्रू दिया हुआ होता है, वाइब्रेशन की वजह से वो सेट स्क्रू आगे चला जाता है और डैम्पर जो पार्शियली ओपन रह जाता है। अगर डैम्पर पार्शियली ओपन है तो मतलब इनलेट एयर जो है वो आईएसी वाल्व को सप्लाई करनी होती है जब आइडियल रनिंग होता है तब, मतलब इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तब, सॉरी आइडियल रनिंग में इनिशियली जो एयर जो देता है वो आईएसी वाल्व देता है, जो एयर जो है दैट इज नेसेसरी फॉर द कंबशन ऑफ द फ्यूल। ओके, वॉट एवर द एक्सेस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन दैट वन इज सप्लाइड बाय द एयर। जो एयर के अंदर में ऑक्सीजन जो है वो उसकी मात्रा सही होनी चाहिए, एक्सेस हो तो अगर ज़्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉक्स नॉक्स, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो CO2 जनरेट करेगा। और उस सबके लिए तो एक कैनिस्टर है, चारकोल बेस्ड कैनिस्टर जिप्सी में लगा हुआ है, और अभी तो BS6 गाड़ी जो आ रही है उसमें तो ये सब मतलब फ्यूल्स जो ये जो पॉल्यूशन जो नॉर्म्स है उसके जो नॉर्म्स जो तगड़ा मतलब कंट्रोल किया गया है, यूरिया पंप वगैरह सब कुछ लगा हुआ है उसमें। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ऑक्सीजन अगर ज़्यादा जा रहा है तो ये जो इंजन आरपीएम जो है वो हायर आरपीएम अटेंड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो एयर जो जा रही है वो ज़्यादा जा रही है, तो इंजन में एयर ज़्यादा जा रही है तो इंजन आरपीएम जो है वो 800 नहीं 1000 आरपीएम अटेंड करेगा। तो उस केस के अंदर में वो जो एयर का जो कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो एयर फ्यूल रेशो जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी एक बात बताऊँ मैं आपको कि ये तो हो गई एयर की बात, ठीक है, एयर कंट्रोल करने की। एयर फ्यूल रेशो के अंदर में जो फ्यूल है वो भी पिक्चर में आता है। अभी फ्यूल जो सप्लाई हो रहा है, फ्यूल पंप जो जिस प्रेशर से फ्यूल इंजेक्ट फ्यूल सप्लाई करता है, इंजेक्टर के ऊपर में वो प्रेशर एग्जर्ट होता है और इंजेक्टर जब ऑपरेट होता है तो हायर प्रेशर की वजह से हायर फ्यूल जाता है, तो रिच फ्यूल मिक्सर जाने की वजह से भी इंजन आरपीएम अप रहता है। तो क्या करना है उस केस में, फ्यूल पंप तो प्रेशर बनाएगा ही, ठीक है, इंजेक्टर जो है अपना ओपनिंग क्लोजिंग जो है सीक्वेंस के हिसाब से करेगा, फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से वो भी ऑपरेट होगा ही, ठीक है। अब वो जो एक्सेस प्रेशर जो है वो रिलीज कहाँ होगा, वो रिलीज होगा सिलेंडर के अंदर में, पेट्रोल ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे करेगा, हायर स्प्रे की वजह से, रिच स्प्रे की वजह से वो क्या हो जाएगा कि इंजन आरपीएम वो हायर अटेंड करेगा। अब इसमें क्या करना है कि वो जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए जो रिटर्न लाइन है उसको चेक कीजिए आप कि रिटर्न लाइन में सफिशियंट फ्यूल आ रहा है कि नहीं। रिटर्न लाइन जो जा रही है वो यहाँ पे हेडर के ऊपर में जो इंजेक्टर का हेडर है, हेडर के ऊपर में ये यहाँ पे एक वाल्व इक्विप्टेड है, वो वाल्व जो है वो अगर स्टक हो गया है तो रिटर्न में फ्यूल नहीं आएगा तो प्रेशर ज़्यादा बनाएगा, तो वो वाल्व का ओपनिंग भी होना जरूरी है। तो रिटर्न लाइन है उसको खोल के देख लीजिए कि मेरा जो फ्यूल है वो फ्यूल रिटर्न पेट्रोल टैंक में जो जाने वाली लाइन है वो सही है कि नहीं, ठीक है जी। तो इस तरह से मतलब जो है फ्यूल और एयर का जो रेशियो है वो मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी आईएसी सेंसर की, आईएसी वाल्व की बात की थी, ठीक है, तो आईएसी वाल्व जो है वो ओके होना चाहिए, एज वेल एज जो डैम्पर पोजीशन जो है पार्शियली ओपन है तो क्या हो जाता है कि एक्सेस एयर अंदर चली जाती है,
ठीक है, तो एयर ज़्यादा जाती है तो मैंने डैम्पर पोजीशन की बात की, आईएससी वाल्व की बात की, उसके बाद आता है सीएमपी सेंसर। तो सीएमपी सेंसर के ऊपर में यहाँ जो 12 नंबर का जो बोल्ट लगा हुआ है, वो 12 नंबर का बोल्ट आप लूज करके ये सीएमपी सेंसर जो है इंजन चालू करना है, इंजन चालू करके ये 12 नंबर का बोल्ट लूज करना है और उसकी पोजीशन जो है वो चेंज करनी है, तो उससे आरपीएम कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन सेंसर। तो ऑक्सीजन सेंसर के अंदर में चार केबल रहती है, वो दो उसमें दो केबल के बीच में आपको क्या करना है, दो केबल के बीच में उसमें एक रेजिस्टेंस लगा दो या तो एक एलईडी वगैरह लगा के उसको बाईपास कर सकते हैं, तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो आइडियल रनिंग जो है वो हम 800 आरपीएम अटेंड करवा सकते हैं। ठीक है जी, आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।